सुप्रभात बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग ने व्यंजन में सीखा था गा से गाजर, घा से घड़ी, अंगा खाली। तो चलिए आज हम लोग व्यंजन में नया सीखते हैं कुछ। तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे व्यंजन में चा। चा से चार, चा से चार, चा से चाचा, चा से चाचा, चा से चरखी, चा से चरखी, चा से चटनी, चा से चटनी, चा से चाची, चा से चाची, चा से चम्मच, चा से चम्मच, चा से चाबी, चा से चप्पल और चा से चटाई, चरखा। तो आज हम लोगों ने चा सीखा। अब इसके बाद, चा के बाद हम लोग सीखेंगे छ। छ से छत, छ से छत, छ से छतरी, छ से छतरी, छ से छात्रा, छ से छात्रा, छ से छात्र, छ से छिपकली, छ से छिपकली, छ से छड़ी, छ से छड़ी, छ से छलनी, छ से छलनी। तो बच्चों, आज हम लोगों ने व्यंजन में सीखा है चा और छा। इसका उच्चारण करना भी सीखा है, अब हम इसको लिखना सीखेंगे। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने कॉपी में बना के रखा है इस तरह से चा। चा से चम्मच, छा से छाता। अब हम लोग चा लिखना सीखेंगे। लिखने के साथ साथ हमें बोलना भी है। चा से चम्मच, चा से चम्मच, चा से चम्मच। ये आपकी बिजी बी प्रीसेट की कॉपी बुक में पेज नंबर 18, 19, 20, 22, 23 पेज नंबर 18, 19, 20, 22, 23 18, 19, 20, 22 और 23 पेज नंबर में है, जो कि आपको बिजी बी प्रीसेट की बुक में लिखना है। और इसी तरह से कॉपी में आपको बना लेना है कॉलम करके, और उसमें भी गृह कार्य की कॉपी में चा और छा लिखना है, लेकिन दोनों को एक एक पेज में लिखना है। जैसे मैंने चा एक पेज पे लिखा है तीन कॉलम बना के, इसी तरह से आपको छा एक कॉलम में तीन कॉलम बना के इस तरह से लिखना है। तो ये हम लोगों ने सीखा है चा से चम्मच। अब हम लोग सीखेंगे छा से छाता। छा से छाता, छा से छाता। लिखने के साथ साथ प्यारे बच्चों, हमें उच्चारण भी करना है। जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोग को बोलती हूँ, लिखना का अभ्यास भी करना है और उच्चारण करने का भी। छा से छाता, छा से छाता, छा से छाता, छा से छाता, छा से छाता। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? छा से चम्मच, छा से छाता। तो इसको आप लोग बीसीपी प्रीसेट हिंदी की बुक में भी लिखिएगा,
और हिंदी की कॉपी में भी चा से चम्मच छा से छाता बना के लिखिएगा। नए वीडियो में नए व्यंजन के साथ फिर हम लोग उपस्थित होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।